मेरे प्यारे देशवासियों, मैं मेजर जनरल सतबीर सिंह, चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विस में बूथ। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास इस सोसाइटी की, देशवासियों की, कुछ ऐसे डिप्राइव्ड पीपल, उनकी मदद के लिए ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं। हमने ये समझा कि हम सैनिक अपनी सर्विस के दौरान सरहदों पे तैनात रहते हैं ताकि हमारा देश महफूज रहे, देशवासी ठीक नींद से सो सके। और हम उसी धारणा को रखते हुए जब हम अपने घर आ जाते हैं रिटायर होकर, तो ये इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट जो हमारे एक्स सर्विसमैन की है, उनकी फैमिलीज की है, ये ऑर्गेनाइजेशन 2008 में स्टार्ट किया ताकि हम उनके वेलफेयर, तीनों सर्विसेज को इकट्ठा करके पूरे देश भर में उनकी जरूरत आए और हम सोसाइटी का हिस्सा बने ताकि उनकी भी मदद कर सके। दो ऑर्गेनाइजेशन जो जिनके प्रतिनिधि हैं, मोनिका जी हैं, ये समग्रा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चे हैं, उन बच्चों को ये हर तरह से देखभाल करते हैं, उनको उनका पालन पोषण, उनकी एजुकेशन, उनकी ह्यूमन वैल्यूज को बताना, उनके संस्कार, ये सब कुछ बताते हैं। तो ये एक ऐसा काम कर रहे हैं। हमने ये समझा कि अभी देशवासियों की और ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी सोसाइटी की मदद में हैं, उनके साथ हम भी अपना थोड़ा सा रिश्ता जोड़े। मेरे साथ दूसरे एक संजय साहब जी हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है पालना, जो बच्चे घर से लोग छोड़ जाते हैं, जो डिप्राइव्ड वहां पे कहीं ना कहीं जो नहीं रखना चाहते मां बाप, वो बच्चों को छोड़ जाते हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन के पास। और ये छोटे से लेकर शिशु जो हॉस्पिटल से या बाहर उन्होंने बना रखे हैं अपनी जगह, वहां पे वो मां या बाप आकर छोड़ जाते हैं, तो उनके पास ये उनको देखभाल करते हैं, मेडिकल हेल्थ, उनका खाना पीना, उनको नर्सिंग, उनको बड़ा करके करना। तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी है जिनके लिए हम ये कहेंगे कि ये सोसाइटी के ऐसे ब्लेस्ड लोग हैं जो अपने ईश्वर से पैदा हुए और इंसान बच्चे, उनकी देखभाल करना, ये तो एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो एक बहुत अच्छा कार्य है। हम इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, हमारी गवर्निंग बॉडी ने डिसाइड किया कि हम अपनी तरफ से थोड़ा सा, ये पैसा ज्यादा नहीं, तो थोड़ा सा मदद हम फाइनेंशियली इनको करें, और आगे भी हम सोचेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। तो हम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारी गवर्निंग बॉडी ने 50,000 रुपया दोनों को देने के लिए, 50,000 इनको, 50,000 उनको, एज ए आर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू हेल्प देम आउट इन वट एवर वर्क दे आर डूइंग। दो इट इज ए ड्रॉप इन द ओशन एंड मे नॉट बी इवन दैट मच, पर ये जो इसका जो सोच है वो सोच पॉजिटिव है, और हम चाहेंगे कि ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से आप एक्सेप्ट करें और आगे भी हम अपना जोड़ रखेंगे ताकि हम एक यूजफुल मेंबर बने अपनी सोसाइटी के, और जो लोग जो इस संसार में आए हैं बच्चे, वो भी अपने आप को पालना करके और देश के अंदर एक अच्छे पढ़ाई करके अपने अपने किस्मत के मुताबिक या अपने कर्मों के हिसाब से हम अपनी जिंदगी उनको बनाने के लिए मौका दें। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दिस 50,000 रुपीज ईच टू एंड मोनिका जी, प्लीज इफ यू गुड टाइम सिट डाउन। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, but we will continue to try to grow and we will try to make more children happy because they are the future of our society. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. May I request Sanjay ji to please
also. Thank you so this much. It's all amount of 50,000 rupees. Thank you so much. Thank you so much for your generous donation. Thank you so much. Thank you. Would you like to say anything more to the people of the country? You're most welcome. Thank you so much for this opportunity. The children are our future, and we will do anything and everything to bring up the children of our society, to help them grow in personality, in their education. And thank you so much. Thank you. God bless you. God bless you. For this opportunity, thank you. And it is our dream to make 100 centers, and we will definitely look forward. Thank you, ma'am. Monica ji, please convey to your director, also to your co-author partners. Sabita is not here today. Yes. God bless, and we'll get more opportunities to be together. Yes. Yes, Sanjay Mishra from the Delhi Council for Child Welfare. ये ऑर्गेनाइजेशन पालना एक हमारा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम ऐसे बच्चों को जो जिन्हें उनके परिवारों से छोड़ दिया गया है उन बच्चों को पालना में हम रखते हैं. उनका पूरा केयर होता है, वहाँ पे पूरी मेडिकल फैसिलिटी है, पूरा उनके रहने का पूरा इंतजाम है. 24/7 वहाँ पे कंप्लीट एक होम है ऐसे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स ने उनको ड्रॉप कर दिया है. इन बच्चों का कंप्लीट रिहैबिलिटेशन भी हम इंश्योर करते हैं. हमारा अपना भारत सरकार के साथ एक टाइप है जिसके अंतर्गत हम इन बच्चों को लीगल एडॉप्शन में हम प्लेस करते हैं. पालना इस तरह से काम करती है. And on behalf of the governing body, I would like to thank you, sir, and your organization for inviting us today. It's a very generous donation for Palna. It will be used basically for the medicine purpose. Thank you so much for. Thank you very much. Thank you very much. Deshwasiyo, main gujarish karunga ki baki bhi jo Ishwar ki taraf se capable hain, zarur aisi संस्थाएं अपने देश में छोटी छोटी जगह पे बैठे हैं और कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनमें जो भी हम कंट्रीब्यूशन कर सके, जो मदद कर सके, जरूर करना चाहिए. मैं कहूंगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. धन्यवाद. थैंक यू.